मास्टरमाइंड मोस्ट वांटेड आशीष सिंह उर्फ अठिया को किया गया गिरफ्तार। अनुलिका सिंह पति स्वर्गीय विश्वजीत कुमार सिंह उर्फ रिंटू सिंह थाना सरसी जिला पुरिया के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त सुदेश सिंह पिता दिनेश सिंह आशीष सिंह उर्फ अठिया पिता पप्पू सिंह दोनों थाना सरसी जिले पुरिया के विरुद्ध वादिनी के पति विश्वजीत कुमार सिंह उर्फ रिंटू सिंह शाकिंग थाना सरसी जिला पुरिया को गोली मारकर हत्या कर देने के आरोप में कांड प्रतिवेदित किया गया है। साथ ही थाना क्षेत्र अंतर्गत वादिनी वीड़ा छेद देवी के लिखित आवेदन के आधार पर नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध उनके पुत्र नीरज झा की गोली मारकर हत्या कर देने की घटना को अंजाम दिया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए श्री दयाशंकर पुलिस अधीक्षक महोदय पुड़िया द्वारा घटना में शामिल अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी एवं कांड के उद्भेदन हेतु सुरेंद्र कुमार सरोज अनुमंडल पुलिस अधिकारी सदर कृपा शंकर आजाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बनमनखी के नेतृत्व में एक विशेष थाना पूर्व वैज्ञानिक तकनीकी अनुसंधान एवं साक्ष्य से संकलन कर त्वरित कार्रवाई करते हुए टेक्निकल सर्विलांस एवं साक्ष्य के आधार पर इस टीम के द्वारा घटना में शामिल अपराध कर्मी केशव कुमार झा को नौ गठिया से गिरफ्तार किया गया तथा पकड़ाए अभियुक्त के निशानदेही एवं स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर घटना के शूटर छोटू सिंह उर्फ ऋषिकेश उर्फ पत्थर सिंह पिता स्वर्गीय विजय सिंह साकिन घरारी थाना हयाघाट जिला दरभंगा एवं सेंटू कुमार सिंह को पकड़ा गया तथा सूत्र से संपर्क स्थापित कर घटना के मुख्य षड्यंत्रकर्ता मोस्ट वांटेड एवं 25,000 रुपए के इनामी कुख्यात अपराधी आशीष सिंह उर्फ अठिया को पुड़िया पुलिस के द्वारा इंदौर मध्य प्रदेश से पीछा करते हुए हरदा NH 31 पर एक लाइन होटल के पास से साक्ष्य अनुसार गिरफ्तार किया गया। पकड़ाए अभियुक्तों के द्वारा घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया कि आशीष सिंह उर्फ अठिया एवं पुंकेश कुमार न्यायिक हिरासत के साथ षड्यंत्र रच कर सभी मिलकर सुनियोजित तरीके से एक एक करके घटना को अंजाम दिया, जिसमें केशव कुमार झा एवं अन्य एक साथी द्वारा मोटरसाइकिल पर सवार होकर नीरज झा को गोली मार देने की घटना को भी अंजाम दिया गया। छोटू सिंह उर्फ ऋषिकेश उर्फ पत्थर सिंह तथा सिंटू सिंह घटना के सपदमत के रूप में काम कर रहे थे। इस प्रकार गिरफ्तार अभियुक्त आशीष सिंह उर्फ अठिया द्वारा आपसी रंजिश एवं वर्चस्व के कारण पूर्व जिला पार्षद विश्वजीत कुमार सिंह उर्फ रिंटू सिंह की हत्या करने की बात स्वीकार की गई। आशीष सिंह उर्फ अठिया चर्चित बेनी सिंह हत्याकांड के भी मुख्य अभियुक्त है। विधि सम्मत कार्रवाई पूर्ण करते हुए पकड़ाए सभी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्रवाई की जा रही है। तीनों हत्याकांड यानी तत्काल जो हम रिंटू सिंह हत्याकांड और नीरज झा की बात करें, इसमें हमें हथियार बरामद नहीं। नीरज झा के हत्याकांड में संकट सिंह का भी नाम आया था, अभी षड्यंत्र के बिंदु पर जांच अभी जारी है। षड्यंत्र के बिंदु पर क्या संलिप्त बाकी अभियुक्तों की है, नामजद अभियुक्तों की, इस पर अभी अनुसंधान जारी है। उसके बारे में भी बहुत है। इसके द्वारा रिंटू सिंह हत्याकांड में भी ये अठिया के साथ मौजूद था और इसने कहा है कि बेनी सिंह हत्याकांड में भी मौजूद था। इसके द्वारा स्वीकार किया गया है कि इसने नीरज झा हत्याकांड में खुद ही वहाँ पर घटनास्थल पर था। इसके द्वारा गोली किसने चलाई, ये गाड़ी चला रहा था, गोली इसके पीछे बैठा सर। रिंटू सिंह और रिंटू सिंह से गोली चलाने वाले शूटर कौन थे? रिंटू सिंह ने अटिया के द्वारा गोली चलाया गया था और बेनी सिंह सर काफी दिन तक बचता रहा, किसी का संरक्षण प्राप्त था इनको क्या? जैसा कि हमने बताया कि घटना के बाद ये अपने मित्र के साथ मिलकर मध्य प्रदेश चला गया था और लगातार हम लोग इसका यहाँ के जितने भी कॉन्टेक्ट है, नौगछिया हो गया और अगल बगल के जिलों में जो भी कॉन्टेक्ट थे वहाँ पर नज़र बनाए हुए थे, हर तरह की गतिविधि पर नज़र रखी गई थी। तो ये एक तरह से कहा जाए कि कुकून में चला जाना, ये कुछ दिन तक उस कुकून में चला गया जिस कारण से ये अभी तक हम लोग के गिरफ्त से बचा हुआ था। लेकिन जैसे ही हम लोग को तकनीकी साक्ष्य मजबूत मिला और मानवीय सूत्र भी कन्फर्म किया हम लोगों ने इसे सर, इस बार जो वापस आ रहा था तो फिर इसका कुछ योजना था क्या? इस बार जो मध्य प्रदेश से वापस आ रहा था पूर्णिया तो कुछ टारगेट था इसका? तत्काल तो ऐसा किसी योजना के बारे में बात अभी संज्ञान में नहीं आई है। एक साल तक अटिया कहाँ रहा था? अभी हम अभी 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 रिंटू सिंह के हत्याकांड के बाद और नीरज झा के हत्याकांड के बीच की पूछताछ हम लोगों ने की है, उसके बाद ये कहाँ कहाँ था इसके बारे में अभी इससे पूछताछ की जाएगी। नीरज हत्याकांड के बाद है ये? जी।
अभिनंदन यादव का एक और भूमिका है, अभी पूछताछ चल रही है उससे, अभी 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 हिरासत में नहीं, अभी कुल गिरफ्तारी 7 है। पुड़िया से शक्तिमान कुमार की रिपोर्ट।